हेलो गाइस, मैं हूं रचित। और बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया लॉन्च हो चुका है। जानता हूं आप नहीं खेल पा रहे हो, इसलिए तो वीडियो देख रहे हो। तो गाइस, मैं आपको बता दूं कि आज की वीडियो में मैं क्लियर कर दूंगा कि किस तरीके से आप अपने फ़ोन में, चाहे कोई सा फ़ोन हो, आप उसमें बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया चला सकते हो और आज ही चलाओगे इस वीडियो को देखते देखते ही। तो मैं आपको बताता हूं ये करना कैसे। गाइस देखो, सबसे पहली चीज़ ये है कि आप, मुझे पता है कि प्ले स्टोर पर जाके 25-30 बार देख चुके होंगे कि यार वो इंस्टॉल का ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा है। ठीक है, तो वो जब आए तब तो आ जाए, बहुत अच्छा है। ठीक है, मेरी वीडियो बनाने के बाद। लेकिन अगर नहीं आ रहा तो मैं आपको बताता हूँ करना कैसे है। ठीक है, हर कोई चला सकता है। अर्ली एक्सेस की आपको जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं करना है। बस आपको मेरे स्टेप्स फॉलो करने हैं। आपको एक APK फाइल डाउनलोड करनी है जो बैटल ग्राउंड्स इंडिया मोबाइल की तरफ से है ही, और एक OBB फाइल जो उसका डेटा होता है वो आपको डाउनलोड करना है। तो ये दो चीजें आपको जब डाउनलोड आप कर लोगे, उसके बाद मैं आपको मतलब पूरा एक स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा कि किस तरीके से आप अपने गेम को खेल सकते हो, और मैं आपको खेल के भी दिखाऊंगा। तो गाइस वीडियो में चलते हैं। तो गाइज हम यहाँ पर आ गए हैं अपने डाउनलोड पेज पे, बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया के APK प्लस OBB फाइल आपको यहाँ पर मिलेगी। गाइज अगर आप प्ले स्टोर पे जाओगे तो वो आपको रजिस्टर तो आप कर चुके होगे, लेकिन आपको वो इंस्टॉल का ऑप्शन नहीं दिखाएगा। गाइज लेकिन मैं आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से आपको अर्ली एक्सेस ना भी हो, अदर यूट्यूबर्स की तरह, फिर भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। सबसे पहले इस पेज पर आओ, और इस पेज पर आपको आने के लिए डाउनलोड जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस लिंक के थ्रू आपको यहाँ पर आना होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आने के बाद नीचे जाना। ठीक है, तो अगर आपका जो फ़ोन है वो एंड्रॉयड 9 चलता है, एंड्रॉयड 10 से नीचे चलता है, तो आपको ये दो लिंक उठाने होंगे, जैसे एक ये वाला, ठीक है, एक ये वाला APK फाइल और एक OBB फाइल। ठीक है, लेकिन अगर आपका 10 पे चल रहा है तो आपको एक ये वाला लिंक डाउनलोड करना पड़ेगा और एक ये वाला डाउनलोड करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये वाला मैं आपको करके दिखाता हूँ कि इस पर मैं क्लिक करता हूँ। तो गाइस यहाँ पर APK फाइल है 71 MB की, डाउनलोड कर लेना। ठीक है, और गाइस ये दूसरा है, आप देख सकते हो यहाँ पे डाटा है इसका। ठीक है, 637 MB का है, ये भी आप डाउनलोड कर लेना। ठीक है, तो अगला चलते हैं। तो गाइस हम आ गए हैं अपने फाइल मैनेजर में। फाइल मैनेजर में आपको, अगर आप कोई भी फाइल क्रोम से डाउनलोड करते हो तो आपको पता है डाउनलोड्स में आती है। ठीक है, तो हमें डाउनलोड में जाना होगा, हमें उन फाइल्स को लोकेट करना होगा। तो यहाँ पर मैं सॉर्ट कर देता हूँ ताकि मैं आसानी से अपनी फाइल्स को फाइंड कर सकूँ। ये देखिए गाइस, बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया APK डाउनलोड हो चुकी है 75 MB की, और 668 MB की जो है इसकी डेटा फाइल है। तो गाइस एक बात मैं आपको बता दूँ, ये वाली जो डेटा फाइल है, ठीक है, आपको डाउनलोड करना होगा। मैं आपको बता दूँ, लिंक कभी कभी हो सकता है आगे चल के चेंज भी हो जाए, लेकिन अभी जो लिंक से डाउनलोड हो रहा है उसमें आपको एक चीज़ करनी पड़ेगी, बस इसको आपको रीनेम करना पड़ेगा। ठीक है, ध्यान रहे कि जो एक्सटेंशन है वो .obb हो, और इसमें लास्ट में .zip लगा है। ठीक है, हो सकता है स्पेस को कंप्रेस करने के लिए, लेकिन zip आपको हटा देना है। ठीक है, खाली obb, ठीक है, लिखा है com.ipubgmobile.obb, बस ओके कर दो गाइस। ठीक है, रीनेम कर दो। तो गाइस ये फाइल कुछ इस तरीके की लगेगी। अब क्या करना है, आपको जाना है ऐसे बैटल ग्राउंड्स में, और अगर आप गूगल की फाइल्स यूज़ करते हो तो मैं आपको बता रहा हूँ, आपको इस तरीके से जाना है, ऊपर ओपन विथ करना है, और उसके बाद ये पैकेज इंस्टॉलर पे जाके यहाँ पर आप देख सकते हो इंस्टॉल का ऑप्शन आ रहा है। मैंने पहले इंस्टॉल कर रखा है तो मैं नहीं करूँगा, आप कर लेना। ठीक है, तो मैंने गाइस इस तरीके से इंस्टॉल करना। उसके बाद मैं आपको बताऊँ क्या करना है, आपको इस तरीके से फाइल को कॉपी टू पर क्लिक करना होगा। ये OBB फाइल जो है इसको कॉपी टू पर क्लिक करना होगा। उसके बाद बैक आएंगे हम, फिर मैं आपको दिखाता हूँ इसको आपको कॉपी करना किधर है। उसके बाद हम एक सेकेंड सॉर्ट बाय मैं करता हूँ A to Z। तो गाइस यहाँ पर हमको आना होगा, उस फाइल को OBB फाइल को कॉपी करके एंड्रॉयड में जाना पड़ेगा, और फिर हमें OBB फोल्डर में जाना होगा। OBB फोल्डर में जाने के बाद गाइस यहाँ पर आपको एक नया फोल्डर ये वाला क्रिएट करना पड़ेगा, com.pubg.imobile। ठीक है गाइस, इस फोल्डर को क्रिएट कर देना, आसानी से ऑप्शन आता है यहाँ पे न्यू फोल्डर क्रिएट करने का, आपको आएगा जैसे आप ये देख सकते हो आ रहा है, तो आप कर लेना। ठीक है, हर फाइल मैनेजर में ये ऑप्शन आता ही है। तो ये वाला आपको क्रिएट करना है फोल्डर, और उसके अंदर ये वाली फाइल पेस्ट करना है। ध्यान रहे गाइस, .zip नहीं होना चाहिए, साइड से .zip हटा देना, और अगर फाइल में नहीं है तो कोई बात ही नहीं है। तो गाइस इस तरीके से आपको डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद हम गेम अब ओपन करके देखते हैं हमारा गेम कैसा है। तो गाइस देखो यहाँ पर हमारा गेम स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, अब हम देखते हैं, हो सकता है गाइस मैंने एक बार इसे ओपन करके देख लिया था, तो हो सकता है आपको कुछ थोड़ा बहुत डेटा ये डाउनलोड करने को मांगे, जैसे रिसोर्सेज पैक होते हैं, क्लासिक रिसोर्सेज पैक, एक्साइटमेंट रिसोर्सेज पैक, तो हो सकता है वो चीज़ आपको डाउनलोड करने के लिए मांगे। लेकिन
कोई दिक्कत नहीं है, वो आप कर देना गाइस और आपका गेम देखिए शुरू हो जाएगा। तो गाइस जैसे कि आपने देखा, मैंने आपको बताया कि कैसे आप बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया अपने फोन में खेल सकते हो बिना किसी दिक्कत के। मैंने आपसे लिंक भी उसके शेयर किए, तो मैंने आपको सब कुछ गाइस क्लियर कर दिया है। उसके बदले में मुझे आपसे थोड़ी हेल्प चाहिए, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो, कोई जबरदस्ती नहीं है, ठीक है, और वीडियो को लाइक कर सकते हो। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।